प्रसाद तुम लोग दो कौड़ी के तरह कर ली डेढ़ हजार रूपया लेकर के तुम लोग अभी आज औकात लाता हूँ बैठ के वसूली बना क्या कोतवाल बना के बैठ के डेढ़ हजार किस बात के लिए बे किस बात का पैसा लिया कौन पैसा लिया है किस बात का पैसा लिया पैसा कौन। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता अपनी दादागिरी करते दिखाई देते हैं, कहीं जनता को धमकी देते हैं तो कहीं पुलिस को धमकी देते नजर आ जाते हैं। मोदी सरकार के विधायक अपनी सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, वो किसी काम को करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बीजेपी विधायक किस तरह से एक पुलिस को गाली दे रहे हैं आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा विधायक का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक दरोगा को गाली देते हुए और उस पर दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक राजेश गौतम दरोगा से एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए कह रहे हैं और जब दरोगा ने प्रमाण पत्र बनाने से मना किया तो विधायक दरोगा को मारने की बात कह रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक ने कहा कि उनके ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली में तैनात दरोगा संजय प्रसाद को विधायक राजेश गौतम फोन करते हैं। फोन पर दरोगा से कहते हैं कि योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लिखना था, लिखा आपने। इसके जवाब में दरोगा कहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा है, मैं कैसे लिखूं। बीजेपी विधायक राजेश गौतम दरोगा की इस बात पर आपा खो बैठते हैं, जिसमें विधायक कादीपुर कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र लिखने के लिए पद के धौंस दिखाते हुए दबाव बना रहे हैं। दरोगा द्वारा यह कहने पर कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, हम रिपोर्ट नहीं लगा पाएंगे, इस बात पर विधायक आग बबूला हो गए। इसके बाद बीजेपी विधायक ने दरोगा से कहा कि तुम लोगों की दो कौड़ी की औकात है, आज तुम लोगों को औकात में लाता हूँ। विधायक ने दरोगा पर वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि 1,500 रुपए किस बात का लिया था। इसके जवाब में दरोगा बोलता है कि मैंने कोई रुपए नहीं लिया है। विधायक उसके बाद कथित रूप से कहते हैं कि वहीं पर आकर जूते निकाल कर तुम लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। बाद में दरोगा ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हम उनके लिए प्रमाण पत्र नहीं लिख पाएंगे, आप मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। दरोगा ने यह भी कहा कि आपको जो करवाना है वो कर लीजिए, मैं प्रमाण पत्र नहीं लिखूंगा, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। योगेंद्र प्रताप सिंह का प्रमाण पत्र लगना था जी सर, तो क्या वो लगाया आपने प्रमाण पत्र? उसमें सर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा संजय प्रसाद? तुम लोग दो कौड़ी के दरोगा ली डेढ़ हजार रूपया लेकर के तुम लोग अभी आज औकात लाता हूँ बैठ के वसूली बना क्या कोतवाल बना के बैठ के डेढ़ हजार किस बात के लिए बे किस बात का पैसा लिया कौन पैसा लिया किस बात का पैसा लिया पैसा कौन निकाल के चूता भाई आके मारना शुरू करूँ ना हम वर्दी सामान लेकिन तुम लोग एकदम कन्नवा दिए हो। जाके बाबू साहब जाते हैं 90 का पावा लगा हुआ और 1,500 पल्ली में तुम लोग बिक जा रहे हो। ऑडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी सरकार के नेताओं को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये सच भी है, जिसका जीता जागता उदाहरण नुपुर शर्मा है, जहां नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश में दंगे हो गए, कई व्यक्तियों की जान चली गई लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वही किसी और पार्टी के प्रवक्ता होते तो शायद आज वो जेल में होते। ये हमारे देश के नेता हैं और ये हमारे देश का कानून है। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।